नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नसीब का रफ्तार अब हजार गुना तेज भागेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप मिट्टी भी छोड़ोगे तो सोना बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 72 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में अब जो होने वाला है, आपने अपने जीवन काल में कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यश में आप सभी के भाग्य में जो बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। बस आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसे मौके बताने वाले हैं जहां पर आपको लाभ उठाना है, क्योंकि दोस्तों पिछले कई समय से आप घरों के लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में भगवान का दिया तोहफा आप सभी को मिलेगा, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको कुछ ऐसी गलती है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना, कि दोस्तों ऐसा मौका ऐसा समय सबको नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सबका जड़ यही है। जी दोस्तों, सबका कारण यही है, बस आप कारण जान लीजिए। और दोस्तों, अपने जीवन काल को दोस्तों खुशियों से भर दीजिए। अपने जीवन काल को सभी प्रकार के संकट समस्याएं परेशानियों से मुक्त कर लीजिए। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिंदगी जीने के मूल मंत्र बताने वाले हैं। जी दोस्तों, आखिर क्यों आप सभी के जीवन काल में इतनी सारी समस्याएं आ रही है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कुल जितनी भी राशियां हैं, सबसे ज़्यादा आपकी ही राशि आखिर क्यों परेशान रहती है। दोस्तों, कभी आपने इन पर गौर किया है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीज़ों पर गौर कराने वाले हैं कि आखिर आपकी राशि इतनी परेशान है, तो दोस्तों इसी में आप कौन सी गलती कर रहे हैं, आखिर इन सभी का कारण क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी का कारण एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम यह चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप सभी का भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, आप सभी भी चौकन्ने रह जाएंगे, आप सभी भी अचंभित रह जाएंगे कि आखिर ये जो चीज़ें हैं, ये जो कार्य हैं, आप अपने जीवन काल में लगातार कर रहे हैं और इन्हीं के कारण आप सभी को परेशानियां हो रही है। दोस्तों, ये बात आप मानेंगे भी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सभी को हम बस इतना कहेंगे कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें, इन्हें अंत तक देखिएगा। जी दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भगवान भोलेनाथ और भगवान शनिदेव की असीम आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में बढ़ती रहे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण बात की। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जीवन काल में पिछले समय घटे हैं और जो अब घट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आपके पिछले समय का कार्य है दोस्तों, वे अभी के कार्य से बहुत ही अच्छे कार्य थे। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आपका वो कार्य का क्षेत्र हो, चाहे दोस्तों आपका संबंध हो, या फिर यूँ कहें चाहे आपका दोस्ती हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, दोस्तों वे सारे अभी के समय से बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों, पहले आपने बहुत कुछ सोचे थे कि आप अपने जीवन काल में अपने जो भी सपने देखे हैं दोस्तों उन्हें पूरा करेंगे, और दोस्तों उनके लिए आप दिन रात मेहनत भी किए हैं और अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि अभी तक आपको अपने जीवन काल में उतना नहीं मिला है जितना आप चाहते थे, जितना आपने मेहनत किया है दोस्तों उतना आपको अभी तक फल नहीं मिला है। जी दोस्तों, इसलिए आप अभी भी परेशान चल रहे हैं। जी दोस्तों, ये आपके वर्तमान समय की बात है। दोस्तों, पिछले समय आप सभी के जीवन काल में जीवन बहुत ही सुखी और संपन्न था, आपका घर परिवार खुशियों में जी रहा था। दोस्तों, बहुत सारे पेशे तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों खुश थे आप लोग। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय आप सभी के जीवन काल में मुसीबत भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन दोस्तों आप किसी न किसी तरह उन मुसीबतों से उभर भी गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी के दौर में
कुछ ऐसे कार्य आप शिविर के जुनकाल में हो गए हैं, कुछ ऐसे परिस्थिति का निर्माण हो गए हैं जिनके कारण दोस्तों आप शिविर को लगता है कि अब यहाँ से उभरना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप शिविर को बता दें कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दोस्तों नामुमकिन है। अगर ईश्वर ने दुख दिया है तो दोस्तों उनसे उभरने का रास्ता भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ईश्वर ने दर्द दिया है तो दोस्तों उनका दवा भी दिया है। और दोस्तों हर एक चीज़ आपको इसी पृथ्वी पर मिलेगा, इसी धरती पर मिलेगा, आपके आसपास ही मिलेगा। बस आपको उन्हें ढूंढने की, उन्हें जानने की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, और वो चीज़ के पास भी आपको ईश्वर ही लेके जाता है। बस आपको ईश्वर के प्रति सच्चे मन से लगाव होना चाहिए, सच्चे श्रद्धाभाव से उन पर विश्वास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ईश्वर का ही एक प्रकार से आशीर्वाद है जो कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में आप अपने जुनकाल की सच्चाई को जान रहे हैं और उन्हें आपने जो भी गलती की है उनसे भी आप बचेंगे। बस दोस्तों आपको आगे वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय अंतराल में आप सभी के जीवन काल में दोस्तों बहुत सारे दुश्मन नहीं थे। दोस्तों एक दो ऐसे दुश्मन थे जो कि अपने कार्य में भी व्यस्त रहते थे लेकिन बहुत बार आपको नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन दोस्तों वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं क्योंकि ईश्वर की साक्षात कृपा आप शिविर के जुनकाल में कई समय से चलती आ रही है। जब से आपकी राशि वाले इस धरती पर आए हैं दोस्तों, तभी से आपकी शिविर के जुनकाल में शनि की दोस्तों हमेशा कृपा रहती है। जी दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि वालों के कर्म हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। जी दोस्तों, कर्म से आप शिविर की राशि हमेशा परिपूर्ण रहती है। एक प्रकार से कहें तो कर्म प्रधान आपकी राशि कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि पिछले समय आपके उतने दुश्मन नहीं थे, एक दो थे, वो दोस्तों आपको उतना परेशान नहीं किए थे। लेकिन दोस्तों आज के इस दौरान आप शिव के जुनकाल में इतना शत्रु बन गए हैं, इतना शत्रु बनते भी जा रहे हैं कि दोस्तों आप गिनती तक नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप शिविर की राशि के जो लोग होते हैं नसीब से बहुत ही उज्ज्वल होते हैं, आपका भाग्य बहुत ही जल्दी चमक जाता है। आप जो भी कार्य करते हैं दोस्तों उनमें मन लगाकर कार्य करते हैं और ईश्वर की आशीर्वाद से आप हमेशा कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ भी आप कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं वहाँ पर आपका शत्रु बनते जाता है। दोस्तों आपकी सफलताओं को देख कर कोई भी शत्रु आपसे खुश नहीं होता है। कोई भी लोग दोस्तों जो आपके अपने भी हैं दोस्तों वो भी आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। दोस्तों यश में आपके अपने लोग अपने बहुत ज़्यादा शत्रु बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप शिविर को बता दें कि बाहर वाले तो आपके शत्रु हैं ही, साथ ही साथ दोस्तों घर वाले भी कुछ आपके शत्रु बन गए हैं जिनके कारण दोस्तों आपको और आपके आत्मविश्वास को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान होता है कि अगर बाहर वाले की शत्रु की बात करें तो दोस्तों वह उनसे लड़ लेता है, लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही लोग आपके घर के अंदर ही शत्रु बनकर अपने ही लोग छुपे रहते हैं तो दोस्तों उन पर वार करने में भी बहुत ही दुख होता है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों जीवन काल बिल्कुल ही धर्म संकट से भर जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार की परिस्थिति कुछ आप शिविर के जीवन काल में आ रही है। और दोस्तों यश में आपके कोई दोस्त भी आपके साथ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय जिस दोस्त के लिए आपने अपने सारे कार्य छोड़ दिए थे, जिसके लिए दोस्तों आपने दिन और रात तक नहीं देखी थी, जी दोस्तों जिसको खुश करने के लिए आपने दोस्तों अपने जुनकाल की सारी खुशियों को भी त्याग दिया था, दोस्तों वे सारे लोग भी यश में आपके साथ खड़े नहीं हैं। दोस्तों वे सारे लोग अपने मतलब के लिए आपके साथ थे और यश में वो आपको धोखा देकर निकल गए हैं। और दोस्तों इन सभी से आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जी दोस्तों, हम जो ये बात बता रहे हैं क्या दोस्तों ये बात गलत बता रहे हैं? दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों जो दोस्त पिछले समय आपके हाथों में हाथ मिलाकर आपके साथ चलते थे, आपके कंधों में कंधे रखकर साथ चलते थे, क्या वो अभी आपके साथ हैं? दोस्तों आप सभी का जवाब आएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यह बात जानते हैं कि दोस्तों कौन से लोग आपके अपने थे और कौन से लोग आपके पराए। जी हाँ दोस्तों, और यश में भी कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके अपने बनकर पराए बन जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप हमेशा यह गलती करते हैं
कि दोस्तों आंख मूंद कर आप भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं, खास हैं, सगे संबंधी हैं, इन पर यकीन कर लेते हैं। तो दोस्तों बस आपकी राशि वालों की बस जीवन काल में यही कमजोरी है। दोस्तों बस आपको इनसे छूटना होगा। दोस्तों पहला आपका कारण यही है जिनसे आपको अपने जीवन काल में असफलताएं हाथ लग रही है, जिनसे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी के भी ऊपर इस दुनिया में आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। चाहे दोस्तों वो आपसे कितने भी अच्छे क्यों ना बात कर रहे हो, चाहे दोस्तों वे आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, चाहे वो आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, दोस्तों बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दूसरा जो आप सभी के जीवनकाल में कारण है जिनसे दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऊपर एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आपका कार्य सफल नहीं हो पाता है और बहुत सारे कार्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वह कारण क्या है? दोस्तों वह कारण है आप सभी का स्वभाव। दोस्तों वैसे तो आप सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप लोग शांत स्वभाव के सरल इंसान हैं। दोस्तों आप हमेशा अपने जीवनकाल में खुश रहने के साथ साथ दूसरों को भी खुशी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों को खुश करने के लिए दोस्तों कई बार आप खुद को गड्ढे में डाल लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि दूसरे लोग अगर आपके सामने गड्ढे में गिरे हैं तो दोस्तों उन्हें बचाने के लिए आप गड्ढे में खुद तक जाते हैं, लेकिन दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाता है, उल्टे दोस्तों आपके ही ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। दोस्तों आपके ही ऊपर वह इल्ज़ाम थोप देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि दोस्तों जितना आपने दयालु प्रवृत्ति अपने जीवनकाल में दिखाए हैं दोस्तों वे आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, इनसे आपका कर्म बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ना भी हो, लेकिन दोस्तों फिर भी वह किसी की सहयोग करने के लिए अपने जीवनकाल के जो भी रुपये पैसे उन्हें भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने जीवनकाल में इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि यही आपका दूसरा कारण है। आपको अपने जीवनकाल में भोलेपन से थोड़ा सा सतर्क और संभल कर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग यश में आपके भोलेपन का ही फायदा उठा रहे हैं। आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं के कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। दोस्तों लोग जानते हैं कि आप कभी उनके सामने ना नहीं कहेंगे, चाहे दोस्तों लोग आपके ऊपर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पैसे की मांग करते हैं, दोस्तों आपका इतना खुला दिल होता है, दोस्तों आप उनके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन काल में जो भी रुपये पैसे हैं उन्हें मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों आगे चलकर वही व्यक्ति आपको परेशानी में डालता है। दोस्तों वह व्यक्ति जो वादे किए हैं कि आपको पैसा लौटा देंगे या फिर आपको यह कार्य कर देंगे, दोस्तों वह वादे पर वह खरा नहीं उतर पाता है, आपका पैसा भी नहीं लौटाता है। और दोस्तों इसके उपरांत आप उनके भी नज़रों में बुरा बनते जाते हैं, क्यों दोस्तों जब भी आप उनसे पैसों की मांग करते हैं या फिर आपने जो वादे किए हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वह व्यक्ति आपसे मुँह छुपाने लगता है, वह व्यक्ति आपके सामने से नहीं गुजरता है, वह व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों वह जानता है कि अगर आपसे बात करेंगे, आपके सामने आएंगे तो आप फिर से पैसे की मांग करेंगे। और दोस्तों उनके मन में एक अलग ही लालच आ चुकी है कि वह पैसे को आपको ना दें या फिर विलम्ब करें। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की त्रुटि बहुत सारे जातकों के जीवनकाल में हो रही है। तो दोस्तों बस आपको अपने जीवनकाल में यह दूसरी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि किसी की मदद नहीं करना है। दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही सहयोगीजनक है। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि वह मांग रहा है कि उनके जीवनकाल में ये दुख आए हैं। दोस्तों आप अगर अपने आँखों से देखेंगे कि सच में इनके जीवनकाल में ये दुख आए हैं तो ही दोस्तों आपको पैसा देना है। इसलिए दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा है कि आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है कि वह व्यक्ति कह रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है तो दोस्तों वह सच ही कह रहा होगा।
बस दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में दयालु प्रवृत्ति रखने से बचना होगा। सब क्षेत्रों में नहीं, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग आपके अच्छेपन का, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ऐसे समय में आपको अपने दयालु प्रवृत्ति से थोड़ा सा विलुप्त होना है और दोस्तों सही माइंड से काम लेना है, सोच समझकर उस समय कार्य करना है। बस दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, इससे भी दोस्तों आप सभी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में अगला जो गलती होती है दोस्तों वह यह होती है कि दोस्तों आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, काम करने में दोस्तों आप बहुत आगे रहते हैं। दोस्तों मेहनत करना तो कोई आपकी राशि वालों से सीखे, दोस्तों दिन रात आप एक कर देते हैं जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनमें से आपके ऊपर छोटी सी गलती यह आ जाती है कि दोस्तों आप ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं जी हाँ दोस्तों, ये आपका असफलताओं का भी कारण है। कि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जहाँ आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी, इतने लंबे समय दिए हैं दोस्तों, उनमें से आपको 10 मिनट का समय ईश्वर के लिए निकालना ही चाहिए जी हाँ दोस्तों। इससे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक दोस्तों आपके जीवनकाल में वातावरण बनेंगे, जिनके कारण दोस्तों ईश्वर का भी आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा, ईश्वर भी आप सभी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों बहुत सारी सकारात्मक ज्ञान आप सभी को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यश में से आपको अपने जीवनकाल में यह भी गलती नहीं करना, यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिनसे दोस्तों आपके जीवनकाल में परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों चौथा जो बड़ा कारण है जो कि दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कार्य में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, दिन रात दोस्तों एक कर देते हैं और दोस्तों कई बार आपका कार्य असफल हो जाता है तो दोस्तों आप चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अपने से छोटे कर्मचारियों पर आप गुस्सा करते हैं, जो भी आपके जूनियर के व्यक्ति है उन पर आप अपना गुस्सा उतार देते हैं। तो दोस्तों इसी में आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों जब आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ष में आपको बुध का पूरा साथ मिल रहा है, तभी दोस्तों आप कार्य की शुरुआत कर पा रहे हैं। और दोस्तों जहां पर आपको कार्यों में थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो दोस्तों वर्ष में अगर आप किसी के ऊपर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो दोस्तों इससे आपका शनि और मंगल दोनों ही खराब हो जाएंगे जी दोस्तों। और दोस्तों अगर आप क्रोध करेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे तो दोस्तों इससे आपका मंगल खराब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी के ऊपर बिना कुछ किए रौब जमाएंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, इनसे आपका कर्म खराब होगा और इसे शनि का भी कुप्रभाव आप सभी को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवनकाल में कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि घर में भी अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर बाहर का गुस्सा उतार देते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती भूल कर भी आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आपने किए भी हैं तो दोस्तों अब से आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों अगर आप अपने जीवनकाल में आज से इन बातों का ध्यान रखेंगे, अगर इन कारणों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी और ना ही ग्रह आपसे रुष्ट होंगे और ना ही देवी देवता आपसे रुष्ट होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको अपने जीवनकाल में कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही यह चीज़ वर्णित है कि स्त्रियों में जो भी स्त्री है उनमें माता लक्ष्मी का वास होता है, माता दुर्गा का वास होता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने घर में या फिर बाहर में अपने जीवनकाल में कहीं पर भी स्त्रियों का अपमान करता है या फिर स्त्रियों को अपशब्द भाषा का प्रयोग करता है तो दोस्तों उनके जीवनकाल में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती है। उनके जीवनकाल में धन तो बहुत आते हैं लेकिन वह धन टिक नहीं पाते हैं जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अवश्य आपको अपने जीवनकाल में ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जो जातक नहीं करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो लोग कर रहे हैं उनको अब संभलना होगा, ये गलती आपको एक दिन लेकर ही डूब जाएगा जी दोस्तों। इनसे आपके कर्म तो खराब हो ही रहे हैं
साथ ही साथ दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी का भी वास हट रहा है। तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में ये गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी के आगमन के लिए कुछ उपाय जरूर ही करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके लिए माता लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अपने जुनकाल में ये गलती किए हैं, किसी भी स्त्री को अपशब्द बोले हैं, किसी भी स्त्री को अपमान किए हैं, दोस्तों आपको नित्य प्रातःकाल भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करके दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों इनसे जो भी आपके कर्म खराब हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और फिर से आप सभी के जुनकाल में माता लक्ष्मी का वास होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप बिल्कुल ही खास ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो हम उपाय आप सभी को बताते हैं दोस्तों, ये जो उपाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टोटके होते हैं दोस्तों आप सभी के जुनकाल में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। दोस्तों इन्हें आप हमेशा ध्यान में ही रखकर कार्य कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि टोटके का प्रयोग परंपरा से ही होते आ रहा है, इसलिए दोस्तों इन पर आपको शंका एवं गुंजाइश करने की आवश्यकता नहीं है। टोटके को अंधविश्वास मानने वाले कभी कभी इनके जादुई परिणाम से आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं। दोस्तों हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टोटके बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी के जुनकाल में वो सब खुशखबरी मिलेगी, वे सभी सपने सच होंगे जिनकी आप कल्पना अपने जुनकाल में करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको अपने जुनकाल में कौन से उपाय कौन से टोटके करने चाहिए। दोस्तों आप शुक्र बता दें कि जिन लोगों के जुनकाल में आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर प्रमोशन में बाधाएं आ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कार्य में फिर भी, तो आपको अपने जुनकाल में रविवार के दिन किसी भी नदी में तांबे का एक सिक्का प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा लगातार आपको 5 रविवार तक करते रहना चाहिए। इसी में आपको जो भी दिक्कतें आ रही है वे सारे दूर हो जाएंगे और आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेंगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आपको नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आपके जुनकाल में अभी के दौर में बहुत ज़्यादा शत्रु चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने ही लोग यश में आपके शत्रु बन जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इनसे आपको भगवान हनुमान जी ही छुटकारा दिलाएंगे। संकट से रक्षा करने वाले महाबली हनुमान जी आप सभी के जुनकाल में सारे अपने दुश्मनों से मुक्ति दिला देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बस अपने जुनकाल में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों अगर हनुमान चालीसा का पाठ के लाभ जीवन में चमत्कार हर दिन देखना चाहते हैं तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार आपको क्या करना है, दोस्तों राम नाम का जप कर लेना है, तभी दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। एवं दोस्तों पाठ के बाद पाठ के समय दोस्तों दीप जला कर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पाठ करना शुरू करें तो दोस्तों एक घी का दीपक आप जला सकते हैं। और दोस्तों ऐसा करने से और हनुमान चालीसा के पाठकर्ता को हर दिन शुभ लाभ दिखाई देते हैं और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मन में कोई भी खोट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी शत्रु आपको परेशान करता है उनका बस आपको स्मरण करना है और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। और दोस्तों आपको अपने जुनकाल में इन सभी बातों का ध्यान रखना है और दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी आपका शत्रु है वो दोस्तों धीरे धीरे परेशान होता जाएगा और दोस्तों वो आप खुद के ही कार्यों में इतना परेशान हो जाएगा कि दोस्तों वे आपके जुनकाल में कभी आएंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके जुनकाल में कभी भी शनि खराब हो जाती है, शनि का शुभ प्रभाव आप शुभ मिल जाता है, या फिर दोस्तों आप कभी कभी थोड़ा बहुत बुरे कर्म भी कर दिए हैं तो दोस्तों इसी में आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, इसी में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों जब शनि का शुभ प्रभाव होता है तो दोस्तों व्यक्ति का स्वभाव में क्रोध और झूठ बोलने की भावना बढ़ जाता है। दोस्तों वह धर्म कर्म के कार्यों में विमुख होने लगता है। दोस्तों वे भगवान पर विश्वास नहीं करने लगता है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि यह कार्य बुरे ही तरीके से करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी दोस्तों, व्यक्ति में गलत कार्य
सट्टा लगाने जैसी बुरी आदतें पनपने लगती है। दोस्तों शराब की आदत उनके जीवनकाल में हो जाती है और दोस्तों ऐसी आदतें ही उनके जीवनकाल में दरिद्रता का कारण बनती है या फिर यूँ कहें तो दोस्तों उनके जीवनकाल में गलत संगत बनने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होने लगते हैं और दोस्तों यही सब कार्य उनके जीवनकाल में गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है और ये सभी कारण उनको गरीबी की ओर ले जाती है। शनि का शिव प्रभाव होने पर तो परिवार और कारोबार दोनों में समस्या आने लगती है, बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। आपको दोस्तों आग के कारण बड़ी हानि होने की संभावना बनी रहती है। यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आपको तुरंत ही शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए और शनि को अनुकूल बनाने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। दोस्तों इनसे आपको जीवनकाल में बहुत ही शांति मिलेगी, आप हमेशा ही कर्म में सर्वप्रे रहेंगे और जो भी आपके बुरे कर्म हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको कौन से उपाय करना है शनि को प्रसन्न करने के लिए, दोस्तों शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको शनि के जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं ओम शन शंचराय नमः, दोस्तों इस मंत्र का आपको जाप शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार के दिन करना है, कम से कम 11 शनिवार के दिन करना है। साथ ही साथ दोस्तों शनि के जो भी वस्तु है लोहे की वस्तु का आप दान कर सकते हैं, शनि को दोस्तों आप काले तिल का भी दोस्तों दान कर सकते हैं, शनि के मंदिर में सरसों का भी तेल का दान कर सकते हैं, किसी गरीब असहाय को दोस्तों आप काले वस्त्र का दान कर सकते हैं, काले कुत्ते का आप रोटी खिला सकते हैं, काले किल का आप किसी को दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप काले चीज़ों का दान करते हैं तो दोस्तों इनसे आपके जो शनि की दोष है दोस्तों उनसे आपको मुक्ति मिलेंगी और शनि के दोषों से जो भी अशुभ प्रभाव आप शिव के जीवनकाल में छाए हैं दोस्तों वे सारे खत्म हो जाएंगे। बस दोस्तों आपको यही सब थोड़े से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और दोस्तों ये सरल कार्य आपको अपने जीवनकाल में सदैव ही सभी से सबसे अच्छे कर्म बनाकर रखेंगे और दोस्तों भगवान शनिदेव की असीम कृपा दृष्टि आप सभी के जीवनकाल में हमेशा बढ़ती रहेंगी। जी दोस्तों तो दोस्तों इन बातों का आप अपने जीवनकाल में ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके जीवनकाल में पेशों की बहुत ज़्यादा तंगी बढ़ गई है। हालांकि दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं, उन्हें प्रसन्न के लिए जो हमने आपको उपाय बताए हैं वे दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक और भी महत्वपूर्ण उपाय करना है कि जब भी आपके जीवनकाल में पेशे आते हैं तो दोस्तों आपको अपने घर में कभी भी हो हल्ला नहीं करना है, घर में शांति का माहौल बनाकर रखना है। यदि दोस्तों घर में आपके पेशे की तंगी आती है तो दोस्तों आपके खुद के ही कारण आती है, घर में अगर आपके कलेश अशांति आती है तो दोस्तों आपके खुद के ही गलती के कारण आती है। तो दोस्तों इसी में आपको क्या करना है कि रविवार के शाम को अपने घर की बाहरी दरवाजे के दोनों ओर से देशी घी का दीप जलाकर माता लक्ष्मी का आप ध्यान करें। दोस्तों अगर आपके जीवनकाल में पेशे नहीं टिकते हैं या फिर जो भी घर में अशांति बन जाती है, क्लेश हो जाते हैं, पेशे की तंगी लगातार चलती रहती है तो दोस्तों ऐसे कार्य आपको करना है और दोस्तों आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि दोस्तों जो भी आपके घर में अशांति है वह भी दूर हो जाएंगी और पेशे भी टिकेंगे और दोस्तों घर परिवार भी अच्छा रहेगा। दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि दोस्तों जो लोग धर्म कर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं उनके जीवनकाल में कितने भी पेशे आ जाए, कितने भी बड़ी आशियाना खड़े कर ले, दोस्तों उनके जीवनकाल में समस्याएं आती ही है। उनके अभी के जीवनकाल को आप देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों शादी चाह दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि जो लोग किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, योग आदि में असक्षम है वो भी नहीं कर पाते हैं तथा जिनका मन धर्म में नहीं लगता है दोस्तों उन सभी के लिए दान करना अनिवार्य बताया गया है। दोस्तों जो लोग अपने जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं दोस्तों बस उनको अपने जीवनकाल में अपने माता पिता का सम्मान करना है और दोस्तों जो भी कमाई करते हैं उनमें से थोड़े सा चीज़ गरीबों में दान करना है, अशुयुगों में दान करना है, यानी कि दोस्तों आपको दान पूर्ण करना है जो भी आप कमाई करते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपके इन्हीं दान पुण्य के कारण आपके जो भी इच्छाएं हैं
दोस्तों वे धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे। आपके बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो बुरे कर्म हैं, दोस्तों वो भी खत्म हो जाएंगे। अर्जुन काल में ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आप सभी के जीवन काल में रहने वाली है। तो दोस्तों आपके जीवन काल में कुछ ऐसी गलती थी, कुछ ऐसी कारणें थी जो कि हमने आपको बताए हैं, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हमने आपको बताया है जो कि दोस्तों आपके लिए जानना और सुनना बहुत ही अनिवार्य था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।